तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो किसी लड़की को रोक रहा होता है, लेकिन वो लड़की वहाँ पर रुक नहीं रही होती है, वो सिर्फ भाग रही होती है। लड़का उसे काफी ज्यादा रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़की उसकी सुन नहीं रही होती है, और अचानक से उस लड़के के आसपास की सभी चीजें टूटने लगती है और उसकी कुछ ही देर बाद उसका सपना टूट जाता है, यानी कि वो नींद में होता है। उसके बाद वो साइड में देखता है तो घड़ी में 7 बज चुके होते हैं और उसका रोबोट उसे बताता है कि सुबह हो चुकी है, उठ जाओ। और इसके बाद हम लोगों को बताया जाता है कि दुनिया काफी ज्यादा एडवांस है, यहाँ पर सभी चीजें एआई के द्वारा होती है। उसके बाद नींद से उठने के बाद जो हमारा मेन करेक्टर होता है वो नीचे जाता है, यानी कि वो सेकंड फ्लोर पे रहता है, और फर्स्ट फ्लोर में जाने के बाद वो एक केला खाता है जो कि एआई के द्वारा बनाया गया होता है। और उसके बाद वो टीवी पर न्यूज देखने लगता है जिसमें कि एआई के द्वारा ही न्यूज दी जाती है। फर्स्ट में तो वो मौसम की ब्रॉडकास्ट देखता है लेकिन उसके बाद वो फॉर्च्यून न्यूज देखता है जहाँ पर बताया जाता है कि आज सबसे बेस्ट डे उनका होने वाला है जिनका की जन्म 8 अक्टूबर को हुआ था। और इस चीज को सुनकर जो अपना मेन करेक्टर है असाई वो खुश हो जाता है और बोलता है आज तो मेरा ही बर्थडे है, यानी कि आज मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। और इसके बाद जो टीवी वाली वो जो दीदी होती है वो बताती है कि तुम्हारे साथ कुछ बहुत ही खास होने वाला है और तुम कुछ नए लोगों से मिलने वाले हो। इस चीज को सुनकर जो असाई होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और इन चीजों को असाई सुन ही रहा होता है और खुश हो रहा ही होता है, लेकिन जो उसका रोबोट होता है वो बोलता है कि अगर तुम जल्द ही तैयार नहीं हुए तो तुम स्कूल से लेट हो जाओगे। इस चीज को सुनकर असाई थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो जल्द ही तैयार होने के लिए चला जाता है। उसके बाद वो ब्रश करके और एक खाने के लिए केला लेके वो स्कूल की तरफ निकल जाता है जहाँ पर कि वो रास्ते में जा रहा होता है। फिर अचानक से ही वो एक लड़की से टकरा जाता है जहाँ पर कि वो लड़की भी कहीं पर जल्द ही जा रही होती है, और उस लड़की के टकराने के बाद असाई उस लड़की के नीचे आ जाता है जिससे कि वो कुछ स्पेशल देख लेता है। जिस चीज को देख कर वो लड़की थोड़ा सा शॉक हो जाती है और बोलती है कि तुमने कुछ देखा तो नहीं, और असाई सीधा सीधा ना में जवाब दे देता है। और इसके बाद वो लड़की पूछती है क्या तुम ठीक हो, तो असाई उसका हाँ में जवाब देता है, बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कोई भी चोट नहीं आई। इसके बाद जो लड़की होती है वो असाई से कुछ सवाल पूछना चाहती है लेकिन उसके बाद वो जो कुछ देर पहले जो इंसिडेंट हुआ था उस चीज को सोच के वो थोड़ा एम्बेरस हो जाती है और वो असाई को सॉरी बोल के वहां से चली जाती है। इसके बाद असाई के रोड पर नजर पड़ती है पर कि वहां पर एक कपड़ा पड़ा होता है और असाई सोचता है कि उसी लड़की का है। असाई उसे उठाता है और चला जाता है। और इसके बाद हमें मेट्रो स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि असाई पहुंच चुका होता है और वो जल्दी से मेट्रो को पकड़ने वाला होता है क्योंकि यार उसको स्कूल में लेट हो रहा होता है। और फिर उसके बाद वो मेट्रो में चढ़ जाता है लेकिन असाई मेट्रो में चढ़ने के बाद शॉक हो जाता है क्योंकि यार मेट्रो में वहां पर कोई भी एक सिंगल पैसेंजर भी नहीं होता। इसके बाद असाई एक कोने में जाके बैठ जाता है और तभी मेट्रो चलने वाली होती है, लेकिन मेट्रो चलने से 1 सेकंड पहले ही वहां पे एक लड़की आ जाती है जिसको कि असाई देखता है। और उसके बाद वो लड़की असाई के साइड में आके बैठ जाती है। उसके बाद असाई सोचता है कि भाई पूरी मेट्रो खाली है लेकिन ये मेरी साइड में ही आके क्यों बैठी है। और उसके बाद असाई जैसे उस लड़की की साइड में देखता है तो वो लड़की सो चुकी होती है और उसने अपना सिर असाई के कंधे पर रख लिया होता है। इस चीज को देखकर असाई थोड़ा सा एम्बेरस टाइप हो जाता है लेकिन उसके बाद असाई का वो हाथ भी पकड़ लेती है। इस चीज को देख के असाई को थोड़ा अच्छा फील नहीं होता और वो खड़ा होकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वो लड़की उसका हाथ और जोर से पकड़ती है और बोलती है कि कुछ देर की बात और है। लेकिन इस चीज को सुनने के बाद तो असाई बिल्कुल ही बौखला जाता है और वो खड़ा होकर वहां से जाने लगता है, लेकिन वो तभी दोनों वहां पर गिर जाते हैं और वो लड़की की कुछ गलत ही जगह पर हाथ रख देता है। जिस चीज को देख करके वो लड़की एकदम गुस्सा सा हो जाती है और वो असाई के ऊपर एक किक मार देती है, लेकिन वो किक असाई को तो नहीं लगती लेकिन वो किक इतनी पावरफुल थी कि पीछे जो हैंडल था वो मुड़ जाता है, जिस चीज को देख करके असाई एकदम फट जाती है और वो सोचता है कि लड़की कितनी ज्यादा पावरफुल है। और इस चीज के बाद उस लड़की की आंख एकदम अच्छे से खुल जाती है और वो बोलते हैं क्या मैं कोई सपना देख रही थी। लेकिन इन सब चीजों से असाई एकदम सहम चुका था और वो जल्दी से दरवाजे के पास जाके खड़ा हो जाता है और वो दरवाजे को खोलने लगता है, और जैसे ही दरवाजा खुलता है वो वहां से तेजी से भाग जाता है और बोलता है कि मुझको माफ करो मेरी कोई गलती नहीं थी इस चीज में। और इसके बाद फिर वो किसी जगह पर जाकर पहुंचता है जहां पर कि उसे काफी सारी सीढ़ियां दिख रही होती है, और उसके बाद उसे फॉर्च्यून वाली लड़की की बातें याद आती है और वो सोचता है कि क्या सच में मेरा आज अच्छा दिन है जैसा कि उसने बोला था, और जैसा मेरे साथ हो रहा है वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और असाई सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहा होता है और वो सोचता है कि चलो इस बार तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तभी अचानक से सीढ़ियों पे एक लड़की आती है और वो तेजी से भाग रही होती है लेकिन गलती से उसका पैर सीढ़ियों में फिसल जाता है और वो सीधा असाई के मुंह पर कुछ ऐसे आकर टिकती है जिससे कि थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट बन जाता है और वो सीधा असाई पे आके पड़ जाती है, जिससे असाई के पास जो केला होता है वो थोड़ा अजीब ढंग से दिख रहा होता है। हाँ तुम समझ जाओ कौन सा है वहाँ पे, ठीक है। तो असाई का जो केला होता है वो थोड़ा अजीब ढंग से दिख रहा होता है, लेकिन उस लड़की को लग रहा होता है कि वो कुछ और है और वह असाई को वहाँ पर ठरकी ठरकी चिल्लाने लगती है, और वह असाई को इतना ज़्यादा चिल्लाती है कि असाई बोलता है कि भाई मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, और जो तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उस लड़की को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और वो जोर से एक पंच वहाँ पर मार देती है जिससे असाई के जो जेब में केला होता है वो नीचे गिर जाता है और उसकी कुछ गलत ही जगह पर
लग जाती है, जिससे असाई बहुत ज़्यादा दर्द से कहराता है। और उसके बाद वो लड़की साइड में जाके खड़ी होती है, बोलती है कि तुम एक नंबर के ठरकी हो, और उसके मां से चली जाती है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें झाड़ियों का सीन दिखाया जाता है, या फिर मैं बोलूँ एक रोड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि क्लिनिक रोबोट सफाई कर रहा होता है। और उसके बाद वो रोबोट वहाँ से चला जाता है और झाड़ियों के बीच से निकलता है असाई, और असाई बोलता है कि चलो फाइनली मैं यहाँ पे थोड़ा सेफ तो हूँ। और उसके तुरंत ही बाद वहाँ पर वो क्लिनिक रोबोट वापस आ जाता है। असाई सोचता है कि यार ये पनौती फिर से आ चुकी है मेरे पास। और उस क्लिनिक रोबोट के हाथ में कुछ अजीब सी चीज़ होती है जो कि तुम देख ही सकते हो क्या होती है। असाई उसे हाथ में देखते हुए बोलता है कि ये क्या है, और तभी अचानक से वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और बोलती है कि तुमने मेरी इस चीज़ को छुआ कैसे, तुम उस चीज़ को देख ही सकते हो। और वो उसे ठरकी बुलाने लगती है, बोलते कि तुम एक फालतू इंसान हो, तुम जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रहे हो। उसके बाद ये रोबोट होता है वो उस लड़की की स्कर्ट को उठाने लगता है और बोलता है कि कचरे को साफ करो, यानी कि वो रोबोट उस लड़की को कचरा बोल रहा होता है। और इसके बाद उस लड़की को वो वहाँ से खींच कर ले जाने लगता है और बोलता है इस कचरे को साफ करो। और इन सभी चीज़ों को असाई वहाँ पे खड़ा होकर देख रहा होता है। इस घटना के बाद असाई फिर से स्कूल जाने की कोशिश कर रहा होता है, यानी कि वो रास्ते में होता है, और अचानक उसके सामने एक पपी आ जाता है, यानी कि एक छोटा सा पिल्ला आ जाता है। और असाई उसे देख कर सोचता है कि ये तो मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, मैं तो इसको खा जाऊँगा कच्चे को। और उसके बाद वो जो पपी होता है वो वहाँ से चला जाता है, और असाई सोचता है कि क्यों ना इसका पीछा किया जाए। असाई उसके पीछे पीछे जाने लगता है और तभी अचानक आगे जाके वो पपी रुक जाता है। और असाई सामने देखता है तो वो कुछ गलत ही सीन देखता है, तुम देख सकते हो एक कुत्ता, मैं क्या ही बोलूँ इस चीज़ के बारे में। और इस चीज़ को देख के असाई एकदम शॉक हो जाता है, और असाई सोचता है कि मैंने यहाँ पे कुछ देखा ही नहीं, लेकिन जो सामने वो बंदा या फिर वो बंदी होती है वो हेल्प मांग रही होती है असाई से कि मेरी मदद करो, तुम मेरे का इससे पीछा छुड़वाओ। लेकिन असाई इन सब चीज़ों को इग्नोर करके सोच रहा होता है कि मैं स्कूल जाता हूँ, और असाई स्कूल जाने लगता है। लेकिन तभी जो वो बड़ा कुत्ता होता है वो असाई को देख लेता है और उसकी तरफ देख कर भौंकने लगता है, और इस चीज़ से असाई डर जाता है। असाई जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो बड़ा कुत्ता उसके पीछे आ जाता है और वो असाई को नीचे पटक देता है। और इस सब चीजों को देखकर असाई मदद मांगता है उस बंदे से, लेकिन वो बंदा बोलता है कि तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हारी कैसे करूं। उसके बाद वो बंदा वहां से चला जाता है, और वहां से सिर्फ जो आवाजें आती है वो सिर्फ असाई की होती है, और उसके बाद असाई एकदम खत्म हो जाता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि असाई बिल्कुल ही शांत सा पड़ा होता है, उसके पास कुछ स्कूल के बच्चे आए होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि ये जिंदा है या फिर मर चुका। और इसके बाद असाई एकदम से खड़ा हो जाता है, जिसको कि देखकर वो सभी बच्चे डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। और असाई नोटिस करता है कि वो काफी ज्यादा लेट हो चुका है स्कूल जाने के लिए। इसके बाद असाई स्कूल जाता है और वो जाकर देखता है कि स्कूल में जो क्लासेस हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और उसके बाद वो क्लासरूम में चुपचाप रेंगते हुए जा रहा होता है। उसके बाद एक लड़के से पूछता है कि मेरी बेंच कौन सी है, और उसके बाद वो बताता है वो खिड़की के पास जो बेंच है वही तुम्हारी बेंच है, जहां पर कि असाई जाकर बैठ जाता है। लेकिन अचानक से ही असाई एहसास करता है कि जो उसके आसपास में सभी बच्चे बैठे हुए हैं वो सभी नए स्टूडेंट हैं, और जिनसे वो आज मिलके आया वो सभी के सभी वही हैं, जिनको देख के असाई एकदम शोक हो जाता है। उसके बाद इन सब चीजों को देखने के बाद वो अपना चेहरा साइड में कर लेता है ताकि उसे कोई भी ना पहचाने। और इसके बाद आती है उनकी टीचर, और ये वही बंदी होती है जो कि असाई को ट्रेन में मिली होती है। और उसके बाद वो इंट्रोड्यूस करवाती है सभी नई स्टूडेंट से, जिसमें सबसे पहले होती है इजू, इसके बाद होती है अमीलिया, और लास्ट होती है इलिया, और उसके बाद कारिन और बाई होती है, जहां पर ये बताती है कि मेरा नाम है बाई मोंगफा। और इसके बाद जो हमारी टीचर होती है उसकी नजर असाई के ऊपर पड़ती है और बोलती है कि तुमने अपना चेहरा उस साइड में क्यों कर रखा है। लेकिन असाई उस चीज़ का कोई भी जवाब नहीं देता, तो टीचर उस पर और जोर डालने लगती है कि चेहरा इस साइड करो, और सभी बच्चे असाई को देखने लगते हैं कि ये लड़का कौन है जिसने कि चेहरा अपने इस साइड में कर रखा है। और उसके बाद टीचर के जोर देने पर असाई अपना चेहरा सामने की साइड करता है, और उसको देखकर उसके साइड में जो चश्मे वाली लड़की होती है वो बोलती है ये तो वही है जो कि मेरे को सुबह मिला था। और इस चीज़ से असाई जो होता है वो बिल्कुल शॉक हो जाता है, किसने मेरे को पहचाना कैसे। और इसके बाद सभी लड़कियां भी असाई को पहचान जाती है और बोलती है ये तो वही ठरकी है। और उसके बाद असाई को मिलती है बहुत सारा प्यार, यानी कि उसको मिलता है बहुत सारे थप्पड़। और इसके बाद हमें असाई और यूसियो को साथ दिखाया जाता है, जहां पर कि यूसियो असाई से बोलता है यार तुम्हारे तो मजे हैं, आज हमारी क्लास में नई लड़की आई और तुम सभी से मिल चुके हो। लेकिन असाई इतने थप्पड़ खाने के बाद यूसियो का नाम बिल्कुल ही भूल चुका होता है और बोलता है यूसियो, तो तभी यूसियो बोलता है कि तुमने मेरा नाम भी भूल चुके हो, मेरा नाम है यूसियो। और इस चीज को सुनकर असाई हां में सिर हिला देता है। और इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है मेल चेंजिंग रूम का, जहां पर कि असाई यूसियो को बताता है कि उसके साथ आज पूरे दिन में क्या हुआ, वो किससे कैसे टकराया, जिसको कि सुन के ईशा किस्मत तो बहुत अच्छी है, तुम्हारे तो भाई मजे ही मजे हैं, तुम आज सबसे मिल चुके हो,
जिस चीज़ को सुन के ऐसा ही बोलता है कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मेरी बदकिस्मती है। और इन सब चीज़ों को जो ईली होता है वो एक कॉर्नर से सुन रहा होता है, और वो भी अपने कपड़े वगैरह लेके आया होता है और वो वहाँ पे चेंज कर रहा होता है। लेकिन वो कॉर्नर में क्यों कर रहा होता है ये आपको अगले एपिसोड में पता चल ही जाएगा कि ऐसा क्यों है। उसके बाद हमें फीमेल चेंजिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सभी लड़कियाँ खड़ी होती है और वो बात कर रही होती है कि ऐसा ही कैसा बंदा है, और वो सभी की सभी सुबह उससे मिल चुकी हैं। और जो चश्मे वाली लड़की होती है वो बोलती है कि मेरे को नहीं लगता कि ये थोड़ा अजीब सा बंदा है या फिर बुरा बंदा है या फिर कोई ठरकी बंदा है। लेकिन उसके बाद वो अपनी स्कर्ट उतारने लगती है और उसे कुछ अजीब फील होता है और वो रुक जाती है। और इसके बाद यहाँ पे सीन कट होता है, असाही और यूशियो दोनों को स्पोर्ट्स रूम में दिखाया जाता है, जहाँ पर कि यूशियो बता रहा होता है कि जो चश्मे वाली लड़की है इसको कुकिंग और स्विमिंग बहुत अच्छे से आती है, और इसके अलावा वो सभी को इंट्रोड्यूस करता है असाही को एक एक करके। और इसके आगे वो फिर असाही से बोलता है कि तुम तो वैसे भी सबसे मिल ही चुके हो और हमें सबसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और इसके बाद वो असाही से पूछता है क्या तुम्हें कोई पसंद है, जिसका कि असाही आंसर करता है कि भाई इसमें से एक तो लड़का है और एक हमारी टीचर है, पसंद तो क्या ही होंगे, और जो सुबह की जो घटना हुई उस चीज के बाद तो भाई कुछ भी नहीं है। और इसके बाद जो यूसी होता है उन सब चीजों को सुन के बोलता है भाई वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तुम उसको जाके क्लियर क्यों नहीं करते हो। और इसके बाद सीन कट होता है, और इसके बाद हमें असाही को जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो शायद घर जाने की कोशिश कर रहा होता है या फिर मैं बोलूँ घर जा रहा होता है। और उसके बाद वो अपने लोकर रूम के पास जैसे ही पहुँचता है तो उसे वहाँ पे एक चिट्ठी मिलती है, और उस चिट्ठी में लिखा होता है कि छुट्टी होने के बाद मेरे को स्कूल के पीछे आके जरूर मिलना और पक्का ही मिलना। इस चीज़ को असाही पढ़ के सोचता है कि कौन ही मेरे साथ मजाक कर रहा है। इसके बाद असाही अपने जल्दी से घर जा रहा होता है, लेकिन अचानक से ही उसके सामने वो जो चश्मे वाली लड़की होती है वो आ जाती है और बोलती है कि भागना अच्छी बात नहीं है, आराम से चलो। और उसके बाद असाही बोलता है ठीक है मैं आराम से ही चलूंगा। और उसके बाद वो शर्माते हुए असाही से बोलते क्या तुम्हें सुबह कुछ हमारी मुलाकात के बाद कुछ मिला था, जिसका कि असाही बोलता है कि हाँ मुझे शायद तुम्हारी रुमाल मिली थी। और वो निकालता है तो उसमें कुछ अलग ही निकल जाता है जो कि अमेलिया का होता है, जिसको कि देख के आयो एकदम गुस्सा हो जाती है और असाही को एकदम जोर से टमाट मार के वहां से चली जाती है। और असाही सोचता है कि यार मेरी किस्मत ही खराब है, कैसे मेरा दिन अच्छा हो सकता है आज, वैसे तो फॉर्चून में लिखा था लेकिन अब मैं क्या ही बोलूं इस चीज के बारे में। और इसके बाद असाही जाता है फूड मशीन के पास, जहां पर कि उसे खाना खाना होता है, लेकिन खाना वहां से खत्म हो चुका क्योंकि असाही वहां पे थोड़ा सा लेट पहुंचा होता है। और उसके बाद वो साइड में देखता है तो वो पीले बालों वाली लड़की जिसका कि नाम होता है एरन, शायद ऐसा ही कुछ नाम होता है, वो वहां पर खड़ी होती है और वो भी खाने के लिए ही आई होती है, लेकिन उसको भी वहां पे खाना नहीं मिला होता है। और असाही सोचता है कि यार इसे भी भूख लगी है तो क्यों ना इसे मैं केला दे दूं, हां बनाना वाला केला और कुछ नहीं भाई। और असाही उसे अपना केला ऑफर करता है। उसके बाद जो पीले बालों वाली लड़की होती है वो सोचती है क्या सुबह इसकी जेब में ये था, मैं कुछ गलत समझ बैठी थी। और उसके बाद असाही बोलता है क्या तुम्हें चाहिए, तो वो हाँ में जवाब देती है और बोलती है हाँ मेरे को चाहिए। असाही बोलता है नहीं चाहिए तो मैं अपना वापस लेके जा सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, लेकिन वो ले लेती है। और उसके बाद असाही उसे केला छील के दे देता है और वो बोलती है कि सुबह के लिए तुम मेरे को माफ कर देना और केले के लिए थैंक यू। और इसके बाद हमें असाही को एक वेंडिंग मशीन के पास दिखाया जाता है, जहाँ पर कि असाही एक ड्रिंक लेकर पी रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे आ जाता है ईलिया और ईलिया के पीछे वही दोनों कुत्ते पड़े होते हैं, जिस चीज़ को देख करके असाही बोलता है अरे यार ये फिर से पनौती आ चुकी है। और ईलिया असाही के पास आके बोलता है भाई प्लीज मेरे को इन कुत्तों से बचा ले, लेकिन असाही की खुद की वहाँ पे हालत खराब हो रही होती है। लेकिन असाही ईलिया की आंखों में आंसू देखकर सोचता है कि क्यों ना चलो इसे बचा लिया जाए, लेकिन जो सामने वाला जो भयंकर कुत्ता होता है वो असाही को बहुत ही गंदे एक्सप्रेशन देता है और उसके बाद वो असाही के कुछ गलत ही जगह पे काट लेता है और काटने के बाद वो वहां से चले जाते हैं। और ईलिया इन सब चीज़ों को देखने के बाद बोलता है कि यार थैंक यू यार भाई असाही यार तूने मेरे को बचा लिया, वरना तो आज ये कुत्ता मेरे साथ पता नहीं क्या ही करता। सभी चीज़ों को सुनने के बाद असाही हाँ में सिर हिला देता है, बोलता है ठीक है मैंने तेरे को बचा लिया। उसके बाद हमें फिर से असाही को स्कूल में दिखाया जाता है, जहां पर असाही के हाथ में थोड़ी सी चोट भी लगी होती है और इन सभी चीजों को मोनफा सेन से दूर से देख लेती है, जहां पर कि फिर वो असाही के पास जाती है और बोलती है असाही तुम्हें चोट लगी है मैं तुम्हें नर्स रूम ले चलती हूँ, वहां पर तुम्हारा इलाज कर दूंगी, जहां पर कि असाही मना कर रहा होता है लेकिन मोनफा सेन से वहां पे उसे ले जाती है और उसके बाद उसका इलाज करने लगती है और बोलती है कि सुबह के लिए तुम मेरे को माफ कर देना, वहां पे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। और उसके बाद वो असाही का इलाज कर देती है और लेकिन तभी वहां पे एंट्री होती है, अमेलिया की एंट्री होती है और अमेलिया को देखकर मोनफा सेन से बोलती है कि क्या हुआ, जिसको कि अमेलिया बोलती है कि नहीं नहीं ज्यादा कुछ नहीं हुआ मैं अपने आप देख लूंगी। और उसके बाद मोनफा सेन से वहां से चली जाती है, जहां पर कि अमेलिया को देखकर असाही बोलता है क्या तुम्हें कुछ हुआ है, जिसका कि अमेलिया बोलती है नहीं नहीं मेरे को ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद जो अमेलिया होती है वो सेन से कुछ बैंडेज मांगती है, जिसका कि असाही पूछता है क्या तुम्हें किसी पे चोट लगी, तुम्हारी उंगली वगैरह कट गई है, जिसका कि फिर अमेलिया बोलती है कि भाई जब मैं चलती हूं तो थोड़ा अजीब सा लगता है और थोड़ा दर्द होता है, जिसको कि असाही समझ जाता है क्या हो गया है। और उसके बाद असाही उसको उसकी जो चीज है वापस लौटा देता है, जिसको कि अमेलिया देख के एकदम
ब्लश टाइप में हो जाती है, पर वो शर्मा जाती है और उसके बाद वो वापस ले लेती है। बोलती है कि सुबह के लिए मेरे को माफ़ कर देना, मैंने रोबोट की गलती तुम्हारी गलती मान ली थी। और उस चीज़ के लिए वो असाई से माफ़ी मांगती है, जिसको कि असाई बोलता है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैंने तेरे को माफ़ कर दिया। और इसके बाद जो एमिलिया होती है वो असाई से पूछते हैं क्या तुम पूरे दिन यहाँ पर रुकने वाले हो, जिसका कि असाई ना में आंसर करके वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हमें असाई को क्लासरूम में दिखाया जाता है, जहाँ पर कि असाई का फ्रेंड असाई से पूछ रहा है क्या सभी गलत फहमियाँ दूर हो चुकी है, जिसको कि असाई बोलता है कि नहीं यार अभी एक बची है। और उसके बाद वो आयु की साइड देखता है, बोलता है और इसे मैंने ही बढ़ा दिया। इसके बाद हमें असाई के टेबल पर वो लेटर को दिखाया जाता है, जिसको कि देखकर असाई स्कूल के पीछे जाता है, जहाँ पर कि उसे कोई मिलने आई होती है। असाई उसको देखने के बाद बोलता है क्या ये तुम हो। और इसी के साथ हमारा पार्ट वन यहाँ पे खत्म होता है। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे को पता है यार ये वीडियो थोड़ी सी छोटी है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से थोड़ी और बड़ी बनाऊंगा, थोड़ी और अच्छे से बनाऊंगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।